ठीक है बच्चों, हमने अब क्लास अब जस्ट स्टार्ट की है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी दे रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन आपको ये आता हो, लेकिन आप आंसर जरूर निकाल के मैच करिए। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो ये बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज I cap minus 2j cap plus 3k cap and I cap plus 2j cap minus k cap। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये तो काफी लोगों के लिए काफी आसान सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि वो वेक्टर्स इतना ज्यादा कर चुके हैं कि उनको ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों ये तो कंसेप्ट आपको पता ही है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार रिवाइज जरूर करा देता हूँ। जैसे अगर मैंने आपकी स्क्रीन पे दो वेक्टर्स बनाए हैं, उनके बीच का एंगल है थीटा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी का बच्चे सभी मतलब जानते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। ए क्रॉस बी का बच्चों क्या मतलब होता है आप लोग जानते हैं, पहले से ही जानते होंगे कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है, ये देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर रोटेट कर रहा हूँ, फिर से देखिए, ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि आप राइट हैंड से अपने पाम को वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ रोटेट करिए। ऐसे करते हैं ना आप, यही तो करते हैं, अपने पाम से वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करते हैं, तो यही होता है ए क्रॉस बी। और अगर आपसे पूछा जाता है बी क्रॉस ए, तो आप क्या करते हैं, अपने पाम से वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ रोटेट करते हैं। तो ये हो गया बी क्रॉस ए का मतलब, और अभी जो इससे पहले मैंने बताया था वो था ए क्रॉस बी का मतलब। समझ में आया? तो ए क्रॉस बी जब हम करते हैं खुले हुए पाम से, यानी वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करते हैं, तो जो थंब होता है उस थंब का इंप्रेशन ऊपर की तरफ होता है, यानी प्लेन के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि इन दोनों को ए क्रॉस बी करने पर जो भी वेक्टर आता है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट ना होइए, हो सकता है आपका आंसर ही ना मैच करे, पहले हमारी बात समझ लीजिए। बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको निकालना है इन दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी आप एक ऐसा वेक्टर निकालना चाहते हैं जो पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम इन दो वेक्टर्स का क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर जो भी वेक्टर आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको आंसर में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर आपके पास जो भी वेक्टर आएगा उस वेक्टर के मॉडुलस से आप डिवाइड करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो आई थिंक सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। तो बच्चों ये बात अभी भी काफी बच्चों को क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने आपको दोबारा बताई है कि ए क्रॉस बी करने पे जो भी रिजल्ट आता है, जिस भी वेक्टर का जो भी डायरेक्शन आता है, वो डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए अब इस लेवल पे। तो बच्चों सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, और अगर आपका आंसर आ गया हो तो आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो आपका बच्चों इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर ए, और ये है बच्चों आपका वेक्टर बी, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी तो आप सभी लोग निकालना जानते हैं, क्या करते हैं इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, डिटरमिनेंट लेने पर ए क्रॉस बी आपका निकल जाता है, दिस इज 1 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1, ये हो गया बच्चों। बच्चों उसको जरा सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके मेरे को बता दीजिए क्या आ रहा है, क्योंकि इतना तो आप कर ही चुके होंगे कि इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालना हर बच्चे को आता है, इसमें आपको मेरी कोई नीड नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर बच्चों आपने निकाला है तो ए क्रॉस बी आपका निकल आ गया होगा, अगर आप आंसर मैच करेंगे तो आपका ए क्रॉस बी आया होगा माइनस फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप, जिन्होंने किया वो अपना आंसर टैली करें। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मॉडुलस भी चाहिए होगा। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर जे के कोफिशियंट का स्क्वायर लाइक दिस, तो ये बच्चों हो जाएगा क्लियर कट इंडिकेट है, दिस इज 4√3। तो बच्चों अब आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, तो आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो फाइनली क्या होगा,
वो होगा वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस। तो बच्चों अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/√3 टाइम्स माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो दिस इज द आंसर। जिन बच्चों ने अगर क्वेश्चन किया भी है तो वो अपने आंसर को टैली करें कि उनका आंसर ऐसा आ भी रहा है कि अभी भी वो धोखे में ही है। तो बच्चों ये सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको काफी देर तक समझाया है, या आप एक नंबर का क्वेश्चन गलती से भी गलत ना कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। ये क्वेश्चन सभी लोगों को आ गया होगा, वेरी इजी टाइप क्वेश्चन था ये। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करें, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के कंसेप्ट को जरा थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। सभी बच्चे हमारे साथ लिखें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी वेयर जहां पर जो एबीसी है वो है बच्चों एबीसी के कोऑर्डिनेट, दैट इज ए है आपका 3-1, 2, बी है आपका 1, बी है आपका 1-1 एंड 3-3, ये है। और सी आपका जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो है 4-3 और 1। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने अब साफ साफ लिखा हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी वेयर एबीसी आर, मैंने एबीसी के कोऑर्डिनेट आपको शो करके रखे हैं कि एबीसी के कोऑर्डिनेट क्या है। तो बच्चों अगर इस कंसेप्ट को आपको पता होगा तो ये भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट पता होगा कि अगर एबीसी के अगर हम पोजीशन वेक्टर्स हम लोग को दिए गए हैं तो ये जो एबीसी के पोजीशन वेक्टर्स हम लोग को दिए गए हैं उससे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा अगर हम उनको ज्वाइन करें। तो ट्रायंगल आपका उस प्लेन में ही होगा, तो अगर वो ट्रायंगल उस प्लेन में है तो उस प्लेन का आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, बल्कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेंगे तो यूनिट वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो बच्चों आप करेंगे क्या, आपको कुछ आइडिया पहले से ही होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप अपने मन में थोड़ी सी भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये ट्रायंगल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी सी। मैंने ऐसे रफली बना लिया है, लेट से ए बी और ये सी। और बच्चों अगर आपको इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर ए सी। अब बस हम लोग को सर एक ही काम करना है कि अगर हम इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना चाहते हैं तो ये सर देखिए ये ए बी वेक्टर को हम ए सी वेक्टर की तरफ जैसे ही रोटेट करेंगे, देखिए सर ए बी वेक्टर को हम जैसे ही ए सी वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे तो ये क्या हुआ, ये हुआ ए बी क्रॉस ए सी। और ए बी क्रॉस ए सी का जो भी रिजल्ट आएगा वो ए बी और ए सी यानी इस प्लेन के दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा, ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। ए बी क्रॉस ए सी का जो भी रिजल्ट आएगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि ए बी क्रॉस ए सी है क्या, है तो एक क्रॉस प्रोडक्ट ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स AB और AC के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपको करना क्या है, आपके लिए काम तो काफी आसान हो चुका है, आप सिर्फ एक काम करिए AB वेक्टर निकालिए AC वेक्टर निकालिए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हाँ एग्जाम लेवल पे आप इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, क्योंकि आप लिखते बहुत कम है। सबसे पहले आप बताएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो पोजीशन किसी की भी जो डिफाइंड होती है वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड होती है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाई डिफाइन होती है। तो आप लिखोगे OA इज इक्वल टू 3i-j+2k। ये हो गया आपका OA वेक्टर। OB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दैट इज OB, दिस इज i-j-3k। उसके बाद OC वेक्टर बच्चों क्या हो गया, ये हो गया 4i-3j+k। अब बच्चों आपको चाहिए क्या, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको चाहिए ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर ऑलरेडी आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग पता होगा कि आप ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं। ए बी वेक्टर इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इतनी तो आप सभी लोग बात जानते हैं।
उसी तरीके से अगर आप एसी वेक्टर निकालेंगे तो एसी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बच्चे ये वैल्यूज आपको पता है, ये वैल्यूज यहां पर पुट करिए और मेरे को डायरेक्टली बताइए कि ए बी वेक्टर क्या आ रहा है। सभी बच्चे ए बी वेक्टर मेरे को डायरेक्ट बताएं क्या आ रहा है, तो मैं लिख लू। तो ये निकल कर क्या आ रहा है बच्चों, दिस इज माइनस टू आई प्लस जीरो जे माइनस फाइव के। आप चेक कर लो, यही आ रहा है। तो दिस इज ए बी वेक्टर। उसके बाद बच्चों ये एसी वेक्टर निकालिए सभी बच्चे, एसी वेक्टर सभी बच्चे निकालें, क्या आएगा, दिस इज आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप। तो ये बच्चों आ गया एसी वेक्टर। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि थ्योरी तो यही बता रही थी कि हमें क्या चाहिए, ए बी सी से जो भी रिलेटेड प्लेन बन रहा है उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो वो क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो डिटरमिनेंट से ही निकलता है। ये हो गया बच्चों आई जे के वैल्यूज, यहाँ पे बच्चों पुट कर दीजिए क्या आएंगी, दिस इज माइनस टू जीरो माइनस फाइव वन माइनस टू माइनस वन। ठीक है, तो बच्चों अब आपका ए बी क्रॉस ए सी इतना तो आप निकाल ही सकते हैं, वो निकाल करके मेरे को जरा बता दीजिए तो मैं लिख लू, ए बी क्रॉस ए सी। ओके, मैं रफ में खुद ही सॉल्व कर लेता हूं, आप भी करो। ओके बच्चों, ये निकल करके आ रहा है माइनस टेन आई माइनस सेवन जे, दिस इज माइनस सेवन जे प्लस फोर के, ये निकल के आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आप क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो वो क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा बच्चों, वो भी निकाल लीजिए, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टेन का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, मैं सॉल्व कर लेता हूं, हंड्रेड प्लस फोर्टी नाइन वन फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 165। या तो बच्चों आपका आंसर क्या हुआ, फाइनली आंसर लिख लीजिए। अब आप आंसर होगा ए बी क्रॉस ए सी, यानी कि वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस। बच्चों आप आंसर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप हमसे पहले निकाल लिया करिए, निकाला जरूर करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं आप अगला क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे अब, क्योंकि प्रैक्टिस अगर बनी रहेगी तो आप आंसर निकाल लेंगे, वरना मैं अब अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूं आप निकाल नहीं पाओगे, चाहे आप करके देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको प्रूविंग बना करके दे देता हूं, जबकि वो सीबीएसई का क्वेश्चन आ चुका है, उसमें प्रूविंग नहीं थी, मैं आपको प्रूविंग के तौर पर दे देता हूं, आप करके चेक कर लो। अच्छा ठीक है, करके चेक करो। क्वेश्चन है बच्चों, For any vector a, prove that, आपको प्रूव करना है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस जे कैप मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस के कैप मॉडुलस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों। ओके, आप खुद से करो, उसकी वैल्यू खुद से निकालो, मैं प्रूविंग नहीं ले रहा हूं। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालिए। जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा वो तुरंत करके निकाल भी लेंगे, जिनकी प्रैक्टिस बनी हुई है। तो बच्चों अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो ये आ रही है, आप निकाल करके एक बार चेक कर लो, ये आएगी टू टाइम्स वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो काफी इजी है, क्वेश्चन इतना इजी है कि पूछो नहीं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बनी हुई है तो आप निकाल ले जाओगे, तो प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप कर भी नहीं पाओगे। स्टार्ट करें तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए भाई, सबसे पहले
जो आप कर रहे हैं, एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया है, हाँ बेटा वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं आप। तो दिस इज A1i A2j A3k, ठीक है, ये मैंने वेक्टर लेट कर लिया, क्योंकि हमें वेक्टर ए गिवन थोड़ी नहीं है, इसलिए लेट किया क्योंकि उनको उसके साथ आई के साथ क्रॉस भी लेना है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पहला वाला, यानी इसका ए क्रॉस आई निकालते हैं पहले, फिर हम उसका मॉडुलस लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप वेक्टर ए क्रॉस आई कैप निकालिए, निकालिए भाई। तो दिस इज A1i A2j A3k क्रॉस क्या है, आई कैप। अब यहां पे बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सबको ये सर्कल तो पता ही होगा, तो वो सर्कल को यूज कर ले। अगर सर्कल का कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो मैं आपकी स्क्रीन पे बगल में बना देता हूं। देखिए ये आई होता है, ये जे होता है और ये के होता है। ये आपको 100% आपके सर ने बताया है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, जे क्रॉस के होता है आई होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है, और अगर ऑर्डर चेंज होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। याद आ गया? ओके, तो बच्चों अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या आएगा, A1 टाइम्स, आप डिटरमिनेंट के भी हेल्प से कर सकते हैं, डिटरमिनेंट साइड को टाइम लग सकता है, तो आप इस तरह से कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप कर लीजिए। दिस इज A3 K क्रॉस I, ऐसे करेंगे ना, आप चेक कर लो। डिटरमिनेंट को भी यूज कर सकते हैं, कोफिशिएंट वगैरह जीरो लिख करके, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो आपसे जल्दी हो जाएगा। ये देखिए हो गया भैया, आई क्रॉस आई तो जीरो ही होगा क्योंकि साइन जीरो जीरो कर देगा इसको, ठीक है। तो ये आएगा क्या, ये आएगा माइनस का A2 K कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से K क्रॉस I क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A3 J कैप। बोलो भाई समझ में आया? अब हमें क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए इसका मॉडुलस, तो हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, वो स्क्वायर रूट में होगा, उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान दें, आपको ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, ऐसे करेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं, अब सिमिलरली करके आप लिख लीजिए, सिमिलरली सिमिलरली ऐसे ही आप करेंगे, भी आगे काम करते चले जाइए। क्या करेंगे आप निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस जे, ठीक है, जरा करके देखिए क्या आ रहा, बिल्कुल उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए जैसे मैंने अभी आपको लेना सिखाया, करके देखिए क्या आ रहा है, इसी तरीके से लीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मैं आपको स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहा हूं। हाँ, क्या आया, ये आया है, ये आया है A1 K कैप माइनस A3 I कैप। ये देखो मैंने लिख दिया, चेक करो अपना, A1 K कैप माइनस A3 I कैप। अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आ गया? अब फिर सिमिलरली क्या करेंगे, हम वेक्टर ए का के से क्रॉस लेंगे, क्या आएगा ये जरा निकाल के देख लो। अब तो सिमेट्री को फॉलो करोगे तो ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसका डायरेक्ट हमने मॉडुलस ही लिख दिया, ये हो गया। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें तीनों का सम निकालना है, तो जब आप तीनों का सम निकालेंगे तो जो आपको प्रूफ करना है वो हो जाएगा। तो आपको ए क्रॉस आई कैप स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस जे कैप स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस के कैप स्क्वायर, इनकी वैल्यूज आपने निकाल ली है, तो जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यानी क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन इजी है, बस ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, कई लोगों से हो सकता है ये हुआ ही ना हो, कई लोगों से हो सकता है ये हुआ ही ना हो अभी तक। बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का, लेकिन ये काफी लोगों का गलत भी हो चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो करिएगा।
क्वेश्चन इज, ध्यान दीजिएगा, ये काफी लोगों का क्वेश्चन गलत भी हो चुका है. लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस जे, वेक्टर बी इज इक्वल टू थ्री जे माइनस के. ध्यान से देखिए, वेक्टर ए लिखा है आई माइनस जे, वेक्टर बी लिखा है थ्री जे माइनस के, एंड वेक्टर सी लिखा है मैंने सेवन आई माइनस के. ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया है फाइंड अ वेक्टर डी which is perpendicular to both, which is perpendicular to both vector A and vector B. ठीक है, एक तो ये हो गया, और आपके पास गिवन है C और D vectors का डॉट प्रोडक्ट 1 है. सभी बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए पूरी तरीके से. वेक्टर ये आपके पास गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, और एक वेक्टर आपको निकालना है डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और आपको दिया सी डॉट डी इज इक्वल टू 1. अब बच्चे करते क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर आपको डी वेक्टर निकालना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो सर उसमें ए क्रॉस बी ले लीजिए, डी वेक्टर आ जाएगा. इतना कर करके अपना आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, और यहां पर C डॉट D इक्वल टू 1 का जो रिलेशन दिया है उसका कोई यूज ही नहीं करते हैं. कई बच्चे ऐसे कॉपी में करते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप देख लीजिए आप कैसे कर रहे हैं. अगर बच्चों यहां पर एक दूसरा रिलेशन दिया गया है तो इसका मतलब आप उसका यूज करेंगे कैसे, जरा देखिए. सबसे पहले क्या लिखा है कि D जो है वो परपेंडिकुलर है A और B के, ठीक है, डी के डी वेक्टर क्या है ए और बी के परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपके पास डी वेक्टर आ जाएगा. ध्यान से देखिए भाई, एबीसी वेक्टर आपके पास गिवन है, आपको डी वेक्टर निकालना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो आप ए क्रॉस बी जैसे ही करेंगे तो आपके पास डी वेक्टर क्या एग्जैक्ट आ जाएगा क्या, नहीं, वो एग्जैक्ट थोड़ी नहीं आएगा. डी वेक्टर ये कहा गया परपेंडिकुलर है दोनों के. अब वो परपेंडिकुलर वेक्टर तो आगे पीछे यानी कि लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये हम बात पक्की कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी वाला जो वेक्टर आएगा वो उसके वेक्टर डी जो है उसी के पैरेलल होगा. अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो उसका रिलेशन क्या लिखते हैं, क्या दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं क्या, नहीं, एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर. आपको ये नहीं कहा गया है कि जो D है वो A क्रॉस B का परपेंडिकुलर है, ये नहीं कहा गया है. यहां पर कहा गया है D which is perpendicular to both A and B. अब जो perpendicular होगा वो उसका मतलब जो A क्रॉस B का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर कहां हो सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है. अब D जो है वो उसी वेक्टर के पैरेलल है, समझ में आया. और अगर मान लो बच्चों एग्जैक्टली होता तो यहां पे आपको एक रिलेशन और दिया ही नहीं जाता, C डॉट D इक्वल टू 1. यहां पर अगर C डॉट D इक्वल टू 1 नाम का एक रिलेशन आपको दिया गया है तो इसका मतलब ही यही है क्लियर कि आपको ये दोनों वेक्टर्स जो हैं D और A क्रॉस B ये आपस में वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. तो ये काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है. भैया देख लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहां पर C डॉट D इक्वल टू 1 का जो रिलेशन है वो फर्जी नहीं दिया गया है, उसको आपको यूज करना है और उसी को यूज करके आपको लैम्डा निकालना होगा. इसलिए आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का गलत हो जाता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है. चलिए देखिए, तो ऐसे लिख लेते हैं जितनी बात हमने बताई वरना हम खुद ही भूल जाएंगे. दिस इज सिंस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देयरफोर इट इज पैरेलल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. ठीक है, समझ में आ गया. दैट मींस वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी. तो सभी बच्चे यहां समझने की कोशिश करिए पूरी तरीके से कि यहां लिखा क्या है.
तो वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, ये लिखा होगा। तो डी वेक्टर कैसे निकाल लेंगे, लैम्डा टाइम्स डिटरमिनेंट लेंगे ए क्रॉस बी का। तो चलिए डिटरमिनेंट लेते हैं ए क्रॉस बी का। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको पता है, यहां पे उसकी वैल्यूज पुट करिए, 1 -1 0 0 3 -1, ठीक है। ए और बी वेक्टर्स आपको पता है, उनकी वैल्यूज मैंने यहां पर पुट कर दी है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स। तो ये बच्चों सॉल्व होकर के क्या आ रहा है, जरा देख लो एक बार। ये बच्चों सॉल्व होकर के आ रहा आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये सॉल्व होकर के आ रहा, ठीक है। अब आपके पास रिलेशन क्या किया मैंने, आपके पास रिलेशन है जो सी डॉट डी है वो वन है, दैट मीन्स सी वेक्टर क्या है, 7i - k, ठीक है। और अभी आपने डी वेक्टर निकालना है, लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस थ्री के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, वन करेंगे। जब आप डॉट प्रोडक्ट वन करेंगे तो ये तो आप कर ही सकते हैं, यहां से लैम्डा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 आएगी, ठीक। दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर आ गया कि जो आपका वेक्टर डी होगा वो होगा 1/4 टाइम्स आई प्लस जे प्लस थ्री के। लेकिन आप एग्जाम में सिर्फ जो वेक्टर डी लिख करके आते हैं वो होता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप। आपने सी डॉट डी के रिलेशन को बिना यूज किए क्वेश्चन किया होता है, वो रिलेशन ही इसलिए इस तरह से दिया गया है ताकि आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें। हाँ, अगर ये रिलेशन दिया ही नहीं होता तो हम फिर तो भैया कुछ भी मान करके ऐसे छोड़ देते और लिखते लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है ना, लैम्डा लिख करके छोड़ देते, वो कोई स्केलर क्वांटिटी है। अब कई बच्चे लैम्डा नहीं भी लिखते तो भी आंसर मिल जाता, लैम्डा लिखते तो भी आंसर मिल जाता, ठीक है ना। अब ये लैम्डा निकल सकता है तो सी डॉट डी का रिलेशन आपको दिया गया, इसलिए आप लैम्डा यहां से निकालिए। तो आई होप मैंने इस क्वेश्चन पे आप लोगों को काफी सारा टाइम दे दिया है, तो आपने समझ तो लिया ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो आप काफी बार ऑलरेडी कर चुके होंगे। दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, find the area of parallelogram determined by vectors i cap plus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap। सभी बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन में लिखा है find the area of a parallelogram determined by vectors i cap plus 2j cap plus 3k cap एंड 3i - 2j + k, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे, क्या इसका आइडिया होगा, चलिए हम लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे क्या करिए, आप पैरेललोग्राम का एरिया तो जानते ही होंगे निकालना क्या होता है, क्योंकि आपको ट्रायंगल का भी एरिया बताया गया होगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम का भी एरिया बताया गया होगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, This is area of parallelogram, standard में लिख देता हूं आपको। Area of parallelogram बच्चों होता है, This is modulus of A cross B, ठीक है। तो ये parallelogram बना किससे है, इन दो वेक्टर से मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो पहला वेक्टर आप क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, This is I plus 2j plus 3k, और दूसरा वेक्टर क्या मान लेंगे, B मान लेंगे, This is 3i माइनस टू जे प्लस के। अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस लेंगे, फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो टोटल आपको बस एक स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके कोर्स में नहीं है, तो उससे रिलेटेड पैरेललोपिपेड वगैरह आपको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि है ही नहीं कोर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए और मेरे को बताइए ये कितना आ रहा है। टू प्लस सिक्स कितना हुआ, एट, फिर 1 - 9 - 8 और बाहर माइनस होगा, तो प्लस एट जी कैम, फिर -2 - 6 यानी कि माइनस का 8 के कैम, ये आ रहा है बच्चों। अब आप इसका आंसर निकालने के लिए इसका मॉडुलस लेंगे, जब आप मॉडुलस लेंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा
8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों जैसा कि हम बता चुके हैं कि एरिया में आपको स्क्वायर यूनिट नाम की चीज जरूर लिखनी है, ठीक है ना। एरिया में आप स्क्वायर यूनिट नाम की चीज को जरूर लिखेंगे। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप रिव्यू कर लीजिए, अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए पहले। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक नंबर का ही क्वेश्चन है, देखें आप कितनी जल्दी आंसर बता सकते हो। दिस इज गिवन, वेक्टर ए का जो मॉडुलस है वो 10 है, वेक्टर बी का जो मॉडुलस है वो 2 है, और जो ए डॉट बी है वो 12 है। आपको फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए सबसे पहले आंसर कौन सा बच्चा इसका बताता है, मैं इस क्वेश्चन को करने वाला नहीं हूं, ये आपको ही आंसर बताना है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग ने इस क्वेश्चन को निकाल लिया होगा तो मैं इसको बिना सॉल्व किए आंसर लिख रहा हूं। आंसर इज 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर ए है 3, -1, 2, बी है 1, -1, -3, और जो आपका सी है वो है 4, -3। तो बच्चों अगर आपको तीन वर्टिसेस दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया है तो मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। तो बाय द वे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालना बताया गया होगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं लिख दूंगा आपको क्या होता है, मैं लिख देता हूं। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया मैंने आपको बताया ना कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस, बताया कि नहीं बताया, वैसे ही जो ट्रायंगल होता है उसका भी एरिया होता है। जैसे पैरेललोग्राम में क्या था, तो कि आपकी ये देखिए ऊपर मैंने आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकाल करके अभी दिया था जस्ट। तो ये पैरेललोग्राम की साइड्स आपके पास गिवन थी डायरेक्टली, एक साइड का जो वेक्टर है वो क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरी साइड का वेक्टर क्या है, समझ रहे ना। दैट मींस अगर आपको ये डायग्राम नहीं भी क्लियर है तो मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको ट्रायंगल वाला बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि उसमें करना क्या होगा। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे इसका बल्कि डायग्राम ही बना दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, ये वेक्टर ए कितना है, दिस इज आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और ये वेक्टर बी क्या गिवन था, 3i माइनस 2j प्लस k। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ध्यान ये देना होगा, जब वर्टिसेस होगा ना तो वर्टिसेस अलग से बोला जाता है, कहीं आप कंफ्यूज होकर के इनको वर्टिसेस ना मान लीजिएगा। जब वर्टिसेस होगा तो वो आपको अलग से बोला जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो उसमें साफ साफ बोला जा रहा कि जो वर्टिसेस हैं आपके वो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है ना, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग, और यहाँ पर साइड्स के वैक्टर आपको पहले ही से गिवन थे, ऐसा नहीं था कि आपको उनके पोजिशन वैक्टर वर्टिसेस के माइनस करके निकालने, ऐसा नहीं था। तो ये डिफरेंस वगैरह सब आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है वर्टिसेस है, यानी ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस है। जब ऐसा होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको सिखाया गया होगा भाई, वो होता है 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एबी क्रॉस एसी। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे बीसी क्रॉस बीए लिख लेंगे तो भी सही है, चाहे सीए क्रॉस सीबी लिख लेंगे तो भी सही है, समझ गए ना। तो जनरली आदमी ए से ही स्टार्ट करता है, तो मैंने एबी क्रॉस एसी लिखा। अब ए बी वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा, ए सी, ये सब वर्किंग आपको पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके दो नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। कर लेंगे आगे कि मैं करूं, ओके मैं थोड़ा सा कर देता हूं। आइए, दिस इज आपको ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, यानी कि दिस इज 3i -j + 2k,
फिर आपको बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है आई माइनस जे माइनस थ्री के, फिर आपको सी का पोजीशन वेक्टर गिवन है दिस इज फोर आई माइनस थ्री जे प्लस के। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कितना आएंगे सॉल्व करके, ये आ रहा है माइनस टू आई प्लस जीरो जे माइनस फाइव के। अब हम एसी वेक्टर निकालते हैं, तो एसी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक, कितना आया ये, ये आ रहा है आई माइनस टू जे माइनस के। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस डिवाइड बाय टू। तो बच्चों अब तो ये काम आप कर ही सकते हैं। हाँ, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट बिना डिटर्मिनेंट के भी निकालते हैं, मतलब उस सर्कल को यूज करके, तो भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिना सर्कल को यूज करके इस तरह से करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जल्दी निकल जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और सर्कल को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे, मतलब आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई की वैल्यू पुट कर रहे हैं अलग अलग, तो मेरे ख्याल से आपको टाइम लग जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पता नहीं आप निकाल कैसे रहे, जैसे मैं कर रहा हूं उससे जल्दी निकल आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आया कितना आया, ये तो ये आया है बच्चों जीरो माइनस टेन। ओके, तो ये आया है बच्चों माइनस टेन आई माइनस सेवन जे प्लस फोर के, ये आया है बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए, तो आप ए बी क्रॉस ए सी निकालिए। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस, दिस इज 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के कितनी आ रही है बच्चों, ये तो वही वैल्यू है अंडर रूट 165। ठीक है, अभी ऐड भी किया था 100 प्लस 49 प्लस 16। तो बच्चों आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों का एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है, एग्जैक्ट आंसर आना ही बड़ी बात है। This is root 165 by 2. ये आपका आंसर निकल करके आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से किया गया। तो सभी बच्चे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें, मतलब कोई मैंने कोई ऐसा कोई टीम झाम नहीं किया कि आप कर ना पाओ। ठीक है, और बच्चों कभी कभी जो है डराने के लिए एक एक्सप्रेशन भी दिया जाता है, वो एक्सप्रेशन मैं आपको लिख देता हूं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होता है, जैसे मैंने आपको लिखा 1/2 टाइम्स ए बी क्रॉस ए सी, ये मैंने आपको लिख के दिया ना, पता नहीं वो कुछ एग्जाम में मैंने देखा है एनसीईआरटी की प्रूविंग यूज करते हैं, तो वो ए बी को पूरा लिखते हैं दिस इज ओ बी माइनस ओ ए। ध्यान दीजिए मैं जो करने जा रहा हूं, ए सी को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ ए, फिर इनकी वैल्यूज गिवेन होती है कि जो बी का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है स्मॉल बी, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, ये वैल्यूज ऐसे पुट कर दी जाती है। फिर इनका प्रॉपर तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, तो लेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। तो बच्चों ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को कई बुक्स में इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए क्रॉस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको प्लस ऑफ सी क्रॉस ए। तो कई बुक्स में इस तरह से दिया जाता है कि 1/2 टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो ये भी बच्चों एक ट्रायंगल का एरिया ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी नहीं, ये तो ट्रायंगल का एरिया ही है। अब चाहे वैसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ बुक्स में इसकी प्रूविंग इस तरह से दी गई है। ठीक है,
ठीक है, तो मैंने आपको इंडिकेट कर ही दिया, आप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे होपफुली। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो सीबीएसई 2009, 2011, 2005, 2008, 2014 का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विथ ऑन अनदर पेज। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए देखिए आपके पास गिवन है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें, आपको जो काम करना है यहां पर, तो बच्चों यहां पे गिवन है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर्स है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस। तो बच्चों कैसे करेंगे ये, ज्यादातर बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं। ये बच्चों बोर्ड्स के ही क्वेश्चन है जो आप कर रहे हैं लगातार हमारे साथ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या गिवन है, वेक्टर जीरो, नल वेक्टर। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप दोनों तरफ पहले एक बार ए से क्रॉस लीजिए, एक बार ए से क्रॉस लीजिए, लीजिए हमारे साथ लीजिए, कॉपी में लिखते जाइए, लीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, ठीक है, प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही रहेगा, ए क्रॉस ए भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस सी को जब रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट मींस यहां से क्या रिलेशन आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। बोलो एक रिलेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, दूसरा रिलेशन कैसे निकालें, फिर आप यूज करिए अगेन, क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसको जीरो यूज करेंगे तो आप दोनों तरफ बी का क्रॉस लीजिए, तो बच्चों जैसे ही आप बी से क्रॉस लेंगे तो आपके पास एक दूसरा रिलेशन आ जाएगा, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसे कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में कई बच्चे इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कर नहीं पाए हैं, मार्क्स की कटिंग हुई है, उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। बी क्रॉस बी अगेन जीरो हो जाएगा, समझ में आ गया, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस बी को आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी, क्रॉस ए को लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी, और ये हो गया प्लस ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो बच्चों आप इसको आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, या बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, लिख सकते हैं, ये आपका बन गया रिलेशन टू। तो बाय रिलेशन वन एंड टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, दैट मींस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, बाय रिलेशन वन एंड टू वी कैन से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया वो क्वेश्चन, भैया ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अब आप चेक करो आप लोग में से कितने लोग कर पा रहे हो, हो सकता है आप बहुत जोश भरा हो कि आप कर लेंगे, लेकिन आप अभी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये डिपेंड करता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन आपको समझ में तो आ ही रहे होंगे, ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है, इसलिए आप पूरा ध्यान पूर्वक उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं तो अच्छी बात है,
आप हमसे पहले कर लिया करिए, और जरा सा भी डाउट हो तो हमारे सॉल्यूशन के साथ चला करिए, वरना फिर आपका छूट जाएगा। मेरी सलाह तो ये, अगर आपको आता भी है तो भी आप हमारा सॉल्यूशन देख करके कॉपी में लिखा करिए, ठीक है? क्योंकि हमारे हिसाब से आप इतने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिखते होंगे जितना हमें आईडिया है। तो बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए, आपकी बीच बीच में कुछ ना कुछ आवाज आ रही है। हाँ ठीक है बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद अदर क्वेश्चन। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे साथ लिखिया करिए आप भी, इफ ए बी सी आर, लिखिए हमारे साथ लिखिए, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू C एंड B क्रॉस C इज इक्वल टू A, ठीक है? प्रूव दैट A B C आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स such that mod of vector b is equal to 1 and mod of vector c is equal to mod of vector a। तो बच्चों, ये क्वेश्चन काफी लोगों से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले आप क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा है। ए बी सी तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और एक रिलेशन दिया है कि a क्रॉस b जो है वो c है और b क्रॉस c जो है वो a है। तो बच्चों, ये तो रिलेशन देख के आपको समझ में आता ही होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो दूसरा रिलेशन है उससे आप कह सकते हो वेक्टर ए जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए जो है वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों, वो ये तो आपने बता ही दिया ना कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दैट मींस ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है। अब ये डिपेंड करता है कि मॉड बी इज इक्वल टू 1, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड सी। चलिए देखिए कैसे यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों, आप क्या कहेंगे अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे, तो आप कहेंगे कि जो ए क्रॉस बी है वो सी है, एंड जो आपका बी क्रॉस सी है वो आपका ए है, ठीक है? ये आपके पास गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सी वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, एंड बी वेक्टर है परपेंडिकुलर वेक्टर ए के, और ए वेक्टर है परपेंडिकुलर वेक्टर सी के। समझ गए? दैट मींस बच्चों, क्या मतलब हुआ कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के, बी वेक्टर है परपेंडिकुलर सी के, और C वेक्टर है परपेंडिकुलर A के। यही तो मतलब हुआ। तो दैट मींस A B C, ये जो आपके तीनों वेक्टर्स हैं, क्या हो जाएंगे? आर म्यूचुअली, यानी एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब बच्चों, आपके पास क्या रिलेशन गिवन है? क्योंकि जो आगे क्वेश्चन दिया जाता है उसमें खुद बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो दिया क्या है। कुछ नहीं दिया है कि A क्रॉस B आपका क्या है? C है, एंड B क्रॉस C आपका क्या है? A है। ये है ना, बस इनको यूज करिए धीरे धीरे, दोनों तरफ इसमें मॉडुलस लीजिए। तो A क्रॉस B क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ C, ठीक है? इसमें भी मॉडुलस लीजिए, तो B क्रॉस C क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ A, क्योंकि आपको मॉडुलस का ही तो रिलेशन दिया है, उनको आप यूज करने के लिए दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। इसको आप क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन
थीटा, थीटा हो गया 90 क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी. यहां भी लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी साइन 90, साइन 91 हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, तो बच्चों यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी, और यहां से क्या आ गया मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां से ए के मॉडुलस की वैल्यू उठा करके यहां पर पुट करो, जरा पुट करो, देखो क्या आ रहा है. जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी. समझ में आया? दैट मींस बच्चों यहां से क्या आ गया, अगर आप कॉमन वगैरह लोगे तो मॉडुलस ऑफ कॉमन वगैरह आप लेकर के चेक कर लो एक बार, इसको इस तरफ ले आओ मॉडुलस सी को, कॉमन वगैरह लो तो मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो मॉडुलस ऑफ बी क्या आ जाएगा 1 ही होगा, प्लस माइनस 1 थोड़ा ना होगा, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव थोड़े ना होगा. समझ गए कि नहीं? तो मॉडुलस ऑफ बी क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि आपके पास तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो मॉडुलस ऑफ बी 1 आ तो रहा है, क्योंकि यही तो आपको दिखाना था सच दैट कि मॉडुलस ऑफ बी 1 भी होगा. और क्या दिखाना था कि मॉडुलस ऑफ बी 1 है और मॉडुलस ऑफ सी मॉडुलस ऑफ ए के इक्वल है, वो तो हो ही गया, क्योंकि मॉडुलस ऑफ बी अगर 1 होगा तो आपके पास रिलेशन जो गिवन है कि मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, अगर मॉडुलस ऑफ बी यहां पर आप 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास एक दूसरा रिलेशन आ जाएगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी. हो गया, तो दोनों बातें तो हो गई आपकी, ये आपकी पहली बात और ये आपकी दूसरी बात, ये आपको अलग से शो करनी थी वो भी आपने कर दी. अब ये डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन कर कैसे रहे हो, आप कितनी उसमें वर्किंग कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, आगे कंटिन्यू करें. तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है. ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक आइडेंटिटी होती है वो आपको लिख देते हैं, उसको आप अपने आप से प्रूफ कर लीजिएगा, कोई बड़ी आइडेंटिटी नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए कि a डॉट b का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर. बच्चों इसको आप अपने आप प्रूफ कर लीजिए, मैं आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप a डॉट b भी जानते हैं, a क्रॉस b भी जानते हैं, उसका मॉडुलस भी जानते हो, सब जानते हो ना, इसको आप अपने आप प्रूफ कर लो, क्योंकि ये कई जगह यूज की जाती है, तो आपको लगेगा कि वो ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं होती है. अगर आप इसको नहीं भी यूज करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, यूज करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, कई बुक्स में इसको अलग अलग से नाम बुलाया जाता है, आपको नाम वाम कुछ नहीं पता होगा तो भी चल जाएगा काम. आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब सीबीएसई 2012 में जो क्वेश्चन दिया गया था वो देखिए क्या है. क्वेश्चन है फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी शो दैट, क्वेश्चन था बच्चों, शो दैट दिस इज 1 प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इनटू ब्रैकेट 1 प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों इज इक्वल टू इसके बराबर है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, दिस इज 1 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर. ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, इसमें कहीं कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, 1 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर. ये मैं ब्रैकेट्स वगैरह अलग से बना दे रहा हूं, आपका मन आपको नहीं बनाना है तो आप
बिल्कुल नहीं बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ये सिर्फ ऐसे डराने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो आप सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे मैंने लिखा क्या है अभी तक। प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी स्क्वायर, ये बच्चों आपको इस तरह से दिया गया, ये आपको प्रूफ करने के लिए सीबीएसई के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी प्रूफ कर ले जाते हैं। अब प्रूफ करने के दो तरीके, आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड से प्रूफ कर रहे हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को प्रूफ कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी प्रूविंग होगी वो राइट हैंड साइड से यानी आरएचएस से की जा सकती है, क्योंकि वहां पे आप ए डॉट बी भी जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी जानते हैं, मॉडुलस भी जानते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको आप सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर ले जाओ। तो सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी वो होगी राइट हैंड साइड से, यानी कि आप आरएचएस को लोगे और एलएचएस सॉल्व करोगे, समझ गए ना। और ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि एलएचएस को सिंप्लीफाई कर दो, आरएचएस को सिंप्लीफाई कर दो और लास्ट स्टेज पे दोनों बराबर आ जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग जो आप करेंगे वो अगर राइट हैंड साइड से करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उससे लेफ्ट हैंड साइड पूरा जनरेट हो जाता है। तो आप इसको करने की स्टार्ट कर सकते हैं, अपने आप से करिए, आप लोग से काफी गलती भी होगी इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट किया, करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले बच्चों जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। आप इस ब्रैकेट को भले हटा दीजिए, अपने आप लिख लीजिए, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी यानी टू टाइम्स ए डॉट बी। यहाँ के स्टेप पे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा, ये तो लिख ही सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप जरा आपको ध्यान से देखना होगा, ये लिखा है मॉडुलस का स्क्वायर, और सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है उनके डॉट प्रोडक्ट के, होता है ना। अब बच्चों अब इस मॉडुलस को आप कैसे खोलें क्या करें ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए भाई तो सभी बच्चे इधर ध्यान दें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि इसके मॉडुलस का स्क्वायर आप डायरेक्ट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर आपको जब खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, या उसको खोलेंगे तो इसको पूरा एक आप वेक्टर मान लेंगे, है ना, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस क्या बताया गया, टू टाइम्स ए डॉट बी, ऐसे लिखते हो ना। कैसे करोगे इसको, करो, क्योंकि खुद वेक्टर ए और वेक्टर बी बड़े बड़े वेक्टर हैं, तो ये भाई काम कर लो अब इसको, कि मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो जल्दी कर ले जाओगे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करो। करके आप चेक करो एक बार, कहने का मतलब है अगर आप ऐसे कर लो मॉडुलस को हटाने के लिए, क्योंकि मॉडुलस जब तक हटेगा नहीं तब तक काम होगा नहीं कुछ उसमें, तो आप ऐसे कर लो उसको, ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है, एक तो ये हो गया, मतलब इसको पूरा एक वेक्टर मान लो, और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, उनके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा, और इसी के साथ उसका डॉट लेंगे। बोलो भाई समझ में आया, समझ में आया, इसको पूरा एक वेक्टर की तरह मान लो और डॉट प्रोडक्ट के इक्वल कर दो, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ए डॉट ए उसको यूज किया। अब आप इसको धीरे धीरे स्प्लिट करते चले जाओ, आपसे क्वेश्चन होता जाएगा, अब आप इसको धीरे धीरे करो, तो हम लोग जो ऊपर वाला टर्म है उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको यहीं पे लीव कर दे रहे हैं, ये वाला जो है इसको यहीं पे लीव कर दो, जो नीचे वाला है उसको आप सिंप्लीफाई करो धीरे धीरे, ठीक है, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना इसी को आप सिंप्लीफाई करो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसको करने के लिए पेशेंस चाहिए, एग्जाम में भी आ चुका है। कैसे करेंगे आगे, आप लिखोगे a प्लस बी को पूरा एक वेक्टर मान लो, तो ये a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, a प्लस बी को पूरा एक वेक्टर ही मान लो,
तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी डॉट क्या आएगा, ए क्रॉस बी। बोलो भाई समझ में आया, प्लस अब दूसरा वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी, तो ये हो गया ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। बोलो भाई समझ में आ गया। अब तो देखो दो दो वेक्टर्स में स्प्लिट हो चुका है, अब तो कर सकते हो, अब तो कर लोगे सिंप्लीफाई। चलो अगले स्टेप पे फिर से आओ, कैसे लिखोगे ए डॉट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हो। और अगला स्टेप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी। तो ए डॉट ए क्रॉस बी, ये दो वेक्टर रिपीट हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, ये बी डॉट ए क्रॉस बी, इसमें भी दो वेक्टर रिपीट हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस ए क्रॉस बी डॉट बी प्लस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी के मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए हैं, और जो शुरुआत में मैंने टर्म छोड़ा था मैं उसको भी साथ में लिख दे रहा हूं, दिस इज वन माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस ए और बी का स्क्वायर। ठीक है समझ में आ गया, प्लस जो अब आपने सिंप्लीफाई किया वो है ए क्रॉस बी के स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये इतने टर्म्स आपके बचे हैं। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, अब आप उसको सिंप्लीफाई करते जाइए अपने लेवल पे, जितना आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप जितना सिंप्लीफाई कर लीजिए उतना आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। बाय द वे इस बार ये एग्जाम में आप क्वेश्चन आएगा नहीं, ये पहले आ गया है एग्जाम में, तो ये काफी डिफिकल्ट माना गया था, तो अब क्वेश्चन का लेवल तो ईजी किया गया है, मतलब क्वेश्चन पहले से आसान आएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है जेई मेंस वगैरह में, क्योंकि जो सीबीएसई के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं वो जेई मेंस वगैरह में डायरेक्ट भी आ जाते हैं, तो ये उसमें तो आ ही सकता है, इसलिए मैंने आपको अलग से करा दिया है, लेकिन ये है आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन। अब बच्चों इसको आपने लेट से भी खोल लिया होगा, तो खोल लीजिए, आपके स्टेप्स अपने आप करिए। ए प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर आप खोल लीजिए, दिस इज वन के साथ ले लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये ए डॉट बी का स्क्वायर ये लिख लीजिए। ठीक है, तो ए डॉट बी टू टाइम्स ए डॉट बी, वो ए क्रॉस बी के मॉडुलस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ इतना ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये हुआ वन प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस, इन दोनों को ओपन करेंगे, तो इन दोनों को ओपन करने के लिए देखो मैंने सबसे टॉप पे एक आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी लिख रखी है ना, देखो सबसे टॉप पे लिखिए ना, इसी को यहाँ पे यूज कर लो और आपके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके फैक्टर कर लो, जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा, आप हो सकता है कोई और मैथड भी यूज करके सिंप्लीफाई कर लो, जैसे भी करो आंसर यही आएगा। ठीक है, अगर आपने वेक्टर्स काफी हायर लेवल पे कर रखा है तो ये फिर आपको इजी लगेगा, वरना तो आपको टफ लग रहा होगा। अब इसके बाद जो है बच्चों हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इसके बाद, तो आप अपना पेशेंस मत लूज करिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन सीबीएसई 2013-14-15 तीनों साल आया है लगातार, ये सेट्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सेट्स के पेपर्स के क्वेश्चन है ये, दिस इज आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ध्यान से देखिए मैंने आपको वेक्टर ए दे रखा है वेक्टर सी दे रखा है, ये गिवन है आपके पास, आपको निकालना है फाइंड वेक्टर बी सेटिस्फाइंग satisfying the equations
आपके पास वेक्टर ए पता है, वेक्टर सी पता है, फाइंड वेक्टर बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। इक्वेशन से बच्चों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। तो बच्चों उसको करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों आपको निकालना क्या है ये क्लियर कर लीजिएगा, आपको वेक्टर बी निकालना है। ठीक है, तो आप करना स्टार्ट करिए और देखिए आपसे हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे वेक्टर बी निकालना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर a क्रॉस b इज इक्वल टू c दिया है, तो c वेक्टर तो आप निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो पहले a क्रॉस b इज इक्वल टू c इस रिलेशन को यूज करते हैं। दिस इज a क्रॉस b इज इक्वल टू c, ये रिलेशन आपको दिया है, इसको यूज करिए और वेक्टर c की वैल्यू निकालिए। वेक्टर c आपका क्या है, j माइनस k। ठीक है, तो पहले a क्रॉस b is equal to c, इस रिलेशन को यूज करिए। अब इस रिलेशन को जब आप यूज करेंगे तो b वेक्टर तो पता ही नहीं है, तो b वेक्टर आप लेट कर लीजिए यहाँ पे। क्या लेट करेंगे, कुछ भी लेट कर लो, ए आई कैप ए बी सी पहले ही से दिए हैं, तो लेट कर लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे यूज कर लो। चलिए a क्रॉस b इज इक्वल टू c, आप इसमें वैल्यूज पुट करिए। C आपका है J माइनस K, A क्रॉस B I J K, A क्रॉस B इन X Y Z, A आपका है 1 1 1, ये हो गया। बच्चों इसको जरा ओपन करो, फर्स्ट रो के अलाउ एक्सपेंड करिए आप इसको फटाफट। जब आप बच्चों फर्स्ट रो के अलाउ एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा Z माइनस Y I कैप माइनस Z माइनस X J कैप प्लस Y माइनस X K कैप, और ये किसके इक्वल है, जीरो I प्लस J माइनस K, ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल है तो उनके I J के कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे, तो उन कोफिशिएंट्स को आप इक्वल कर दीजिए। ये देखिए मैंने इक्वल कर दिया, तो यहां से बच्चों y इज इक्वल टू z आ जाएगा, y इज इक्वल टू z आ जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशंस बनी वो तो एक बनी आपकी z इज इक्वल टू x माइनस वन, एक बनी y इज इक्वल टू x माइनस वन, और एक बनी आपकी y इज इक्वल टू z। इतने रिलेशंस आपके पास बन करके आए हैं, ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड तो अभी निकले ही नहीं है, क्या करेंगे, एक रिलेशन और दिया है आपको, उसको यूज करिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू 3, इसको यूज करिए। ए आपका क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी आपका क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 3, इसको यूज करिए। तो यहां से आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको पता है, वो उसमें पुट करने की कोशिश करिए। जैसे एक्स को एक्स लिख लीजिए, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स है एक्स माइनस वन, और जेड की है वो भी वैल्यू, जेड जो है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। इसका मतलब अगर y की वैल्यू x माइनस वन है तो आप z की वैल्यू भी x माइनस वन पुट कर सकते हो, इज इक्वल टू 3। तो बच्चों यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, दिस इज 3x इज इक्वल टू 5। बच्चों यहां से x निकल करके आ गया, x आ गया आपका 5/3। x आ गया आपका 5/3। ठीक है, और बच्चों अगर आपका x 5/3 आ गया तो y आपका क्या है, y आपका है x माइनस वन, दैट इज
वाई हो गया आपका 5/3 - 1, दैट इज 2/3, और वाई जो है वही जेड के इक्वल है, तो दैट मीन्स आपका वेक्टर बी आ गया 5/3 आई कैप, 2/3 जे कैप और 2/3 के कैप, क्योंकि वाई और जेड आपस में. होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर है. तो कई लोगों से हो सकता है ये क्वेश्चन हो गया हो. एक बार आप रिव्यू कर लीजिए पूरा क्वेश्चन.